नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम एक बार फिर से गौ तस्करों ने सड़कों पर आतंक मचाया। इस बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक बड़े ट्रक में 32 जिंदा गाय ठूस ठूस कर भर कर ले जाई जा रही थी। इसको गौ रक्षक मोनू मानेसर की टीम, बजरंग दल और काउ टास्क फोर्स की टीम ने पकड़ा है। गौ तस्करों के ट्रक ने घामडोज टोल प्लाजा के बूम बैरियर को तोड़ दिया। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर से ऑपरेशन गाय चलाया गया, जिसके तहत गौ रक्षक मोनू मानेसर की टीम, बजरंग दल हरियाणा की टीम और हरियाणा पुलिस की काउ टास्क फोर्स ने मिलकर एक सूचना पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से एक ट्रक का पीछा करना शुरू किया, तो ट्रक चालक ने अपने ट्रक को स्पीड में भगा लिया और तकरीबन 20 किलोमीटर तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर इसी तरह अपने ट्रक को दौड़ता रहा। जब ये ट्रक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर घामडोज टोल प्लाजा पर पहुंचा, तो वहां पर एक बंद पड़ी लेन में ये ट्रक बूम बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल गया। इस दौरान गौरक्षकों ने ट्रक के आगे कांटा फेंक दिया, जिसकी वजह से ट्रक का एक टायर फट गया और चलते चलते ट्रक का टायर बाहर निकल गया। तकरीबन 20 किलोमीटर पीछा करने के बाद इस ट्रक को भुंसी इलाके में पकड़ लिया गया है। इस ट्रक से 32 जिंदा गाय बरामद की गई है। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। मैं शहर अमरेलू पलवल बजरंगदल हरियाणा, और इस गाड़ी की हमें मुकुर खास से सूचना मिली थी कि ये गाड़ी राजीव चौक और सुभाष चौक से होते हुए मेवात जाएगी गौ तस्करी में, जिसको ये पीछे टूल को तोड़ के आई है। इसमें हमने दो तस्करों को काबू किया है और इसमें गौवंश को बुरी तरह से भरा हुआ है, जो कि आजकल इतनी बड़े लेवल पर गौ तस्करी चल रही है। जो दिल्ली मुंबई हाईवे बना है, इसमें से बहुत तस्करी हो रही है जी। पिछले दिनों में भी कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं और पिछले दिनों में गुड़गांव में भी कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो मैं हमारा सरकार और प्रशासन से यही है कि ये जो इतनी गौ तस्करी बढ़ रही है, इन पर रोकथाम लगाई जाए। ऐसे बड़ी बड़ी बंद कंटेनरों में गायों को क्रूरतापूर्वक भरा जाता है, और एक तरफ गौ रक्षकों को और बजरंग दल को विलन दिखाया जाता है, आतंकी दिखाया जाता है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से मेवाती तस्कर गौवंश को भरकर मेवात में कटने के लिए ले जाते हैं। कहां से इस गाड़ी का पीछा करने लगे थे और किस तरह पकड़ में आई है? जी, हमने इसका पीछा दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से किया था, और ये आपका ये भौंसी टूल क्रॉस करने के बाद गुड़गांव सोना रोड पर काबू आई है। बताया था जी, एक बंद गोडिया ट्रक है जिसमें 30-32 गाय भरी हुई है और बॉम्बे हाईवे से जाएगा। जो उसकी सूचना को पाकर हम उसके साथ लगे, तो भौंसी टूल ट्रैक्स को तोड़ते हुए 500 मीटर आगे आया और जहाँ जिसको साथियों के साथ इसने काबू किया गया। तस्कर भी पकड़े हैं, दो इसमें मुलजिम थे, वो ड्राइवर और एक परिचालक, दो पकड़े। कहाँ ले जा रहे थे कुछ पता चल पाया? मेरी बात की बता रहे हूँ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।